सर दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में यदि आपको ये न्यूज़ अच्छा लगता है या हमारा वीडियो अच्छा लगता है, कृपया हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक का भी बटन दबा दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। BSNL का नेटवर्क ध्वस्त, उपभोक्ता परेशान। से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आए दिन BSNL का नेटवर्क ध्वस्त रहने से लोग परेशान है। जी हाँ, BSNL का नेटवर्क ध्वस्त रहने से लोग परेशान है। एक ओर जहां सरकारी अधिकारियों से नेटवर्क पर बात करना मुश्किल हो गया है, वहीं बैंक, LIC, डाकघर, रजिस्ट्री ऑफिस सहित व्यापार आदि के सारे काम ठप पर गए हैं। शहर के सुभाष नगर, आम घाट, महुआबाग, मिश्र बाजार, नियाजी मोहल्ला, नवापुरा, मोहनपुरवा, प्रकाश नगर, बंसी बाजार, सरैया और छोटा महादेव आदि मोहल्लों में BSNL नेटवर्क पर लोगों का एक दूसरे से बात तक करना मुश्किल हो गया है। हालत यह है कि जैसे कार्यालय के खुलने का समय होता है, उसी वक्त ठीक 10 बजे से 12 बजे तक नेटवर्क ठप हो जाता है। कितना चिंता वाली बात है कि जैसे कार्यालय खुलने का समय होता है, ठीक उसी वक्त 10 से 12 बजे तक नेटवर्क ठप हो जाता है। इसके बाद दिन के दूसरे पहर 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक या कभी कभी रात के 8-9 बजे तक नेटवर्क पर काम करने वाले लोगों का तो धैर्य ही जवाब देने लगता है। हालत यह हो जाती है कि शहरी मोहल्लों के अलावा ग्रामीण अंचलों में भी यही स्थिति है। लोगों का कहना है कि विभाग के अधिकारी से कई बार इन समस्या की शिकायत की गई, लेकिन इसे कोई गंभीरता से नहीं लेता है। हालत यह है कि आए दिन नेटवर्क की समस्या से आजीज आए ग्राहकों की संख्या भी दिन पर दिन कम होती जा रही है। लोग अब निजी नेटवर्क का सहारा लेने लगे हैं। जी हाँ, अगर नेटवर्क में समस्या होगा तो निजी नेटवर्क का तो सहारा लेंगे ही। डिविजनल इंजीनियर BK सिंह बताया कि नेटवर्क पर ज़्यादा भार पड़ने से इस तरह की दिक्कत आ रही है। नेटवर्क की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टीम लगी हुई है, जल्द ही नेटवर्क ठीक हो जाएगा। हमारा कर्मचारियों से अनुरोध है, कृपया आप अपना नेटवर्क जल्दी से जल्दी ठीक करें, अन्यथा सब्सक्राइबर अन्य कंपनियां लेने पर मजबूर हो जाएगी।